वीडियो शुरू होने के पहले हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ ये जो बेल आइकन है इसको भी आप दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। 1 जुलाई से GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने वाला है, तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि GST कैसे हमारे एवरीडे लाइफ में अफेक्ट करेगा और GST से क्या सस्ता और क्या महंगा होने वाला है। तो आप देख रहे हैं मार्केट मास्टरो, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आज हम सिर्फ बात करेंगे GST से जो हमारे एवरीडे लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो सस्ती होने वाली है और वो कौन कौन सी चीजें हैं वो महंगी होने वाली है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि GST क्या है, हमको GST की जरूरत क्यों पड़ी, GST कौन पे करेगा, इंडिया में GST कैसे इम्प्लीमेंट होगी, GST के रेट्स क्या रहेंगे, GST कैसे इफेक्ट करेगा, तो अगर आप वो सब जानना चाहते हो, GST के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो, तो इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो है GST के बारे में, तो आपको जो लिंक है वीडियो की वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अगर चाहो तो वहां से GST के बारे में और भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि GST से क्या सस्ता होने वाला है और क्या महंगा होने वाला है। तो सबसे पहले हम हमारे ही सेक्टर की बात कर लेते हैं, यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में, कि बैंकिंग, फाइनेंशियल और यहाँ पर इंश्योरेंस का क्या होने वाला है, GST के आने से उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो यहाँ पर जो करेंट बात करूँ तो 15% का लगभग सर्विस टैक्स यहाँ पर लग जाता है अलग अलग प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज में। अब यहाँ पर GST आने वाला है और जो GST का जो रेट है वो यहाँ पर माना जा रहा है कि 18% पर आने वाला है। तो इससे क्या होगा, करेंट 15 है, आने वाला 18 है, तो 3% का जो डायरेक्ट इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर टैक्स में। तो ये इंक्रीज से हमको इफेक्ट जो पड़ेगा, जो हमारे जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स हम अभी देते हैं स्टॉक ब्रोकर को, जो हम कमीशन देते हैं, जो हम शेयर खरीदने के लिए ब्रोकर जो हमसे पैसा लेता है, जो हमसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो सर्विसेज होती है, वो सब होने वाली है यहाँ पर महंगी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो बैंकिंग और फाइनेंशियल जो यहाँ पर सर्विसेज है वो सब यहाँ पर होने वाली है महंगी। तो अब दोस्तों बात करते हैं पेट्रोल की। तो हो सकता है कि GST आने से जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो बढ़ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि GST जो है वो पेट्रोल को जो है बाहर रखा गया है GST से। तो जी बिल्कुल, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जैसे पेट्रोल, डीजल, एविएशन ऑयल, एविएशन फ्यूल, क्रूड, नेचुरल गैस, टर्बाइन फ्यूल एसेट्रा, ये सब चीज़ों को जो है GST से जो है वो बाहर रखा गया है। लेकिन दोस्तों एक बार सोच के देखो, जो यहाँ पर जो पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट होते हैं वो टैक्स रिवेन्यू के मेजर सोर्स रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो अगर यहाँ पर GST लागू होता है और अगर वहाँ पर रिवेन्यू कम होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है इनिशियल ईयर में, शुरुआती कुछ सालों में अगर उनके पास रेवेन्यू की कमी होती है, तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने लॉस को रिकवर करने के लिए पेट्रोल के दाम को बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो पेट्रोल के दाम हैं वो GST आने के बाद बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों इंटरनेट और कॉलिंग सर्विस की बात करें तो ये भी अब होने वाली है महंगी, क्योंकि ये जो हमारे मोबाइल बिल है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, ये सब होने वाले हैं महंगे और लगभग 3% तक यहाँ पर जो सर्विस टैक्स के रेट है वो बढ़ने वाले हैं। अगर हम करंट बात करें तो अभी जो सर्विस टैक्स है एट प्रेजेंट बात करें तो लगभग 15% है, और GST आने के बाद ये जो है 15% से बढ़ के होने वाले हैं 18% पे। तो इससे जो हमारे मोबाइल्स के बिल हैं, जो ब्रॉडबैंड सर्विस हम लेते हैं, ये सब होने वाले हैं महंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि और क्या क्या महंगा होने वाला है। तो जो होटल और रेस्टोरेंट के बिल है वो महंगे होने वाले हैं, मोबाइल बिल और इंटरनेट पैक इसके बारे में बात कर लिए, ये भी महंगे होने वाले हैं, ज्वेलरीज और हाई एंडेड एसेसरीज महंगे होने वाले हैं, रेलवे का किराया, एरोप्लेन, एयर ट्रेवल और जो भी आप कैब सर्विस लेते हैं ये सब होने वाले हैं महंगे, केबल टीवी, कूरियर सर्विस ये सब होने वाले हैं महंगे, लग्जरी कार की बात करें, तंबाकू और सिगरेट की बात करें, एडिटेड ड्रिंक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स, ये सब चीज़ें जो है ये होने वाली है महंगी। इसका जो रीज़न है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो सर्विस टैक्स लगता है ये लगता है एट प्रेजेंट 15% का, और GST आने के बाद यहाँ पर लगेगा 18% का। तो यहाँ पर जो इंक्रीज होगा उसके कारण से ये सारे चीज़ें जो है वो होने वाले हैं महंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सस्ती होने वाली है। तो सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होता है, नॉन लग्जरी ऑटोमोबाइल होता है, ये सब में क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है 12.5% का और स्टेट वैट भी लग जाता है 12.5% का।
तो अगर आप देखोगे टोटल करोगे तो हमको जो पे करना पड़ता है वो नियरली 12.5+ 12.5 लगभग लगभग 25-26% जो है हम वहाँ पर पे करते हैं। अब जो है क्योंकि जीएसटी यहाँ पर आएगा तो ये सबको रोल आउट कर देगा और जो हमको यहाँ पे जो रेट मिलेगा जीएसटी का वो 18% पे आएगा। तो जहाँ पर हम पहले 25% 26% दे रहे थे वहाँ पर अब हम देंगे 18%। तो इससे जो ये चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो सस्ती होने वाली है। तो दोस्तों जो सस्ती होने वाली चीज़ है वहाँ पर है पंखा, एयर कूलर, वाटर हीटर, एलईडी टीवी, मोबाइल फ़ोन और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो भी यहाँ पर होने वाले हैं सस्ते। इसके साथ साथ बात करें तो जैसे शैम्पू, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जो चॉकलेट होता है वो सब भी सस्ता होने वाला है। फार्मा प्रोडक्ट भी होने वाले हैं सस्ता। रेडीमेड क्लॉथ होने वाला है, जो कपड़े होते हैं वो रेडीमेड वो होने वाले हैं यहाँ पर सस्ते। मूवी टिकट की बात करें तो यहाँ पर मूवी टिकट भी हो जाएंगे सस्ते। तो ये इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो इंटरटेनमेंट टैक्स में जो रिडक्शन होगा वो 18% पे डायरेक्ट आएगा, तो इससे जो मूवी टिकट है वो भी सस्ते होंगे। अगर यहाँ पर टू व्हीलर है वो भी यहाँ पर सस्ते हो जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों बात करें जो सीमेंट के दाम कम होंगे, पेंट के दाम कम होंगे और जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं वो सब के दाम भी यहाँ पर आ जाएंगे नीचे। सोलर पैनल के दाम कम होंगे, पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन की बात करें तो वो भी यहाँ पर हो जाएंगे सस्ते और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होंगे सस्ते। तो ये सारे चीज़ें जो है वो होने वाली है सस्ती, क्योंकि यहाँ पर हम अभी अगर हम करेंट देखें तो करेंट की बात करें तो यहाँ पर हम पे कर रहे हैं लगभग लगभग 25-26% का टैक्स, जो कि GST आने के बाद हम वहाँ पर सिर्फ पे करेंगे 18% GST। तो इससे हमको यहाँ पर ये बेनिफिट होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।